इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खाते हैं मैडे की समाज को सिखाएंगे। कहे हम हमने के घर में चावल नहीं है, कुछ नहीं है, बिहार तो बंद कर ले सरकार, तो कहाँ से कमा खाएंगे। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 3 मई तक पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के कारण तमाम लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तमाम ऐसी खबरें, तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें लॉकडाउन के कारण लोगों के भूखे रहने की बातें दिखी है। अब ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि घर में राशन न होने के कारण बच्चे मेंढक पकड़ कर खा रहे हैं। वीडियो बिहार के जहानाबाद का है। खाते हैं मैडे की समाज को सिखाएंगे। कहे हम हमने के घर में चावल नहीं है, कुछ नहीं है, बिहार तो बंद कर ले सरकार, तो कहाँ से कमा खाएंगे। तो घर घर ना हो अनाज नहीं है, ये खाते हैं 4 रोज से 5 रोज से। कैसे क्या करते हैं इसको? पहले चावल छिलते हैं, फिर इसको मुँह में लकड़ी में घुपते हैं, तब पकाते हैं तो खाते हैं। और पहले इसमें पकड़ते हो इसमें गड्ढे में से? हाँ, इतना से पकड़ते हैं, खाते हैं। क्या गुरुज पकड़ लेते हैं? ये इतना पकड़ लेते हैं खाए भर। अच्छा, की नाम हो तो हर? अभिषेक कुमार। तो पढ़ा उड़ा ही कि ना? पढ़ते हैं। पढ़ाई है, स्कूल बंद है? स्कूल बंद है, सरकार बंद कर ले ये तो। ठीक है। स्कूल में ना खा ली? नहीं खाते थे, ये खाते हैं, स्कूल बंद है। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा बता रहा है कि देश में लॉकडाउन घोषित होने की वजह से उनके घरों में अनाज खत्म हो चुका है। ऐसे में वे क्या करें? उनके घरों में अनाज नहीं होने पर वे मेंढक से अपनी भूख मिटा रहे हैं। बच्चा बता रहा है कि वो आसपास से पहले मेंढक पकड़ते हैं, जिसके बाद वे उन मेंढकों की चमड़ी को निकालते हैं और इसके बाद उसे आग में भूंजते हैं और फिर उसे खाते हैं। मेंढक खाया है कभी? नहीं खाया तो इन बच्चों को देखिए, समझिए कि भूख की तड़प क्या होती है। ये जहानाबाद बिहार के बच्चे हैं। लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है, खाने को कुछ उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ये सब मेंढक खाने को मजबूर है। कृपया सजग मीडिया संज्ञान ले। इस वायरल वीडियो पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि अब कहां गए वो सरकारी वादे जिसमें कहा गया था कि कोई भूखा नहीं रहेगा। लोगों ने इस वीडियो पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी खूब ट्रोल किया है। लोगों ने लिखा है कि ये सब नीतीश कुमार को दिख रहा है या फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली है। फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से ही ऐसी बातें सामने आ रही है कि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इलाके में सामुदायिक किचन का संचालन शुरू कर दिया है, जहां कोई भी आकर अब खाना खा सकता है। बता दें कि 25 मार्च से ही देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के कारण उन लोगों पर ज्यादा संकट आ गया है जो रोज कमा कर खाते हैं। काम धंधा बंद होने के कारण इन लोगों को एक वक्त के खाने तक की समस्या खड़ी हो चुकी है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें प्रयासरत है कि हर जरूरतमंद तक राशन पानी पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।